अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सभी को रमज़ान मुबारक। अभी जो है ना मगरिब की अज़ा हुई और मैं जो है ना सैरन सुनते ही फिर मैं सोची कि व्लॉग स्टार्ट करना, और ये फ़र्स्ट रमज़ान और इंशाल्लाह मैं आज से व्लॉग भी बनाना शुरू कर दी। मैं सोची कि ये रमज़ान ज़्यादा व्लॉग्स पे नहीं इबादत पे फोकस करेंगे, तो इंशाल्लाह व्लॉग्स आएंगे लेकिन थोड़े कम आएंगे या फिर मतलब शॉर्ट व्लॉग्स रहेंगे। बिकॉज़ रमज़ान एक ऐसा महीना है जो आपको एक मतलब ब्लेसिंग है, और यह महीना मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करूँ या कुछ भी करूँ, तो इंशाल्लाह इबादत में ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं बताइए, सैरन होते ही मैं लैलतुल कद्र का सूरा पढ़ ली, और अभी मैं जाऊँगी नीचे क्योंकि नीचे सहरी की तैयारी हो रही, जो पकाने के लिए आते हैं अभी पका के जा रहे, तो हम लोग बस हीट अप करके खा लेंगे सहरी में। तो अभी चलिए गाइस नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सहरी की तैयारी शुरू। आज सहरी में है मसूर की, बोलते हैं इसको मसूर की दाल एंड कीमा, जिसमें अभी कीमा डालना है। तो यहाँ पर देखिए कीमा और मसूर की दाल बन गया, और इधर आटा भी गूंद डाले जो भी मतलब पकाने के लिए आते, ताकि हम लोग को सहरी के लिए कन्वीनियंट बस गर्म करके निकालना, और हम लोग के डिनर के लिए नगेट्स तले जा रहे। यहाँ पर था शाम का टाइम और मोमोज खाना इतना दिल बोरा था, तो इधर हम लोग बनाना शुरू कर दिए थे। यहाँ पर था चिकन जिसको मैं एक बार ग्राइंडर में डाल के निकाल दी थी, और एक अनियन को भी मैं ऐसे ही करी, अनियन का कुछ इस तरीके से पेस्ट बन जाना, क्योंकि फिर अगर चंक्स रहे तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो मैं फिर इसमें अनियन ऐड करी, और इसमें इतने कम इंग्रीडियंट्स लगे थे, तो आप लोग भी देख के बना सकते, एकदम बाहर के मोमोज बने थे। स्पाइसेस में बहुत ही मिनिमल ऐड करी थी, जैसे कि 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला, रेड चिली पाउडर एंड ब्लैक पेपर, और साथ में थोड़ी से गार्लिक भी डाली थी बिकॉज मेरे को गार्लिक बहुत पसंद। और सबसे मेन था सोया सॉस, आप 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जोहा गोल्ड रोटी बना दी मोमोज के लिए, और इधर चिकन का बैटर भी मतलब चिकन भी रेडी है। अब हम लोग जल्दी से मोमोज बनाएंगे और उसको स्टीम करेंगे। बस इधर थोड़े बना के रखे हुए हैं, अंदर जाके किचन में और बनाएंगे। और मैंने वो क्या बोलते चटनी भी बना दी, चटनी की रेसिपी मैं नहीं डाल सकी बिकॉज बहुत जल्दी में बनाई, तो वह आपको मैं बोल दूंगी, नई सीक्रेट नहीं है। जो चटनी की रेसिपी मैं देख के बनाई ना, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, आप लोग सेम बना सकते, वो बहुत ज़बरदस्त बनी। बट मैं शुगर और थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा डालती हूँ ताकि अच्छा मज़ा आना है पिक्के मोमोज के साथ। तुम फिर वो मीम डाल देते मोमो। अरे याद आ गया गाइस, मैं लास्ट वीडियो में एक मीम डाली थी, अगर आप नहीं देखे तो जाके देखिए। और ये आज मोमो का ठेला लगाने वाली है बच्ची। वाह दिखो, सेम नेपाली मोमो दिख रहे। तू नेपाली मोमो मेरे पास। अच्छा, हियर कम्स द डिफिकल्ट टास्क। यहाँ पे जोहा इज सो परफेक्ट मोमोज का शेप बनाने में, मेरे को तो आ रहा ही नहीं था मैं मोमो का शेप बनाने में, क्योंकि अलग बन गया था। यहाँ पे जोहा जल्दी जल्दी बना रहे थे और किसी की हेल्प नहीं ली उन्हें। तो यहाँ पे हो गए पूरे मोमोज, मैं आपको अब स्टीम करने के टाइम मिलती हूँ। इतने कम्प्लीट हो गए, अभी और बनाने का है। ये देखिए जो चटनी की मैं बात कर रही थी वो बन गई, और ये चटनी का जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और जो वीडियो से मैं देख के बनाई वो भी। तो अभी और मोमोज बना के हम लोग स्टीम करेंगे, उसके बाद में मैं आपको मिलती हूँ। इट्स अराउंड पता नहीं, इट्स अराउंड 9:20 कम, तो अभी इसके बाद काम करके मिलती हूँ। यहाँ पर 15 मिनट स्टीम करने के बाद ज़बरदस्त मोमोज हो गए थे रेडी। आप अंदर का भी देखिए, इतना परफेक्टली कुक्ड था। और यहाँ पे था तरावी का फर्स्ट डे, जैसे कि मैं बोली ये चांद रात का दिन था, तो मैं इधर अपनी तरावी स्टार्ट कर रही हूँ, और इधर हम लोग घर में पढ़ रहे ये टाइम। जैसे कि आप लोग को मालूम, हम लोग हर ईयर पब्लिक गार्डन जाते, बट ये ईयर नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, बिकॉज उधर इतना डे बाई डे क्राउड बढ़ रहा था, तो हम लोग सोचे घर में ही पढ़ना। और इधर मैं, भाभी और जोहा की फर्स्ट तरावी थी साथ में। आज फर्स्ट सहरी थी हम लोग की, हम लोग 4:00 को नीचे उतर गए थे, सब चीज़ा तो रेडी थे, बस गरम करके डिश आउट करना था। रन के लिए आ गए अंकल, और आज 2 जने आए, वाह। तो अभी हम लोग उठ गए, मेरी तहज्जुद हो गई और मैं टेबल पे चीज़ा भी रख दी, और अंकल थोड़े लेट हो गए आज, लेकिन थैंक यू अंकल, सबको उठाते आप। हम जाएंगे वापस मम्मी लोग की हेल्प करने। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आज की सहरी हो गई, अभी हो रही फजर की अज़ान, और मैं इंशाल्लाह अभी नमाज़ पढ़ लूँगी, और उसके बाद में पढ़ूँगी सूरा यासीन। अभी रमज़ान भी है, तो आप लोग भी कोशिश करिए कि फजर के बाद सूरा यासीन पढ़िए, इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। तो अभी ये छोटी सी बुक जो है ना बहुत कन्वीनियंट है मेरे लिए, तो मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ।
और तो मैं आपको कल सुबह मिलूंगी। अभी तो मेरे को थोड़ी नींद भी आ रही, और जो है ना ये पढ़ के सोने जब तक टाइम हो जाता, तो फिलहाल मिलती हूँ कल आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस, अब है जोहर का टाइम और मैं जो है ना इधर से कुछ कुरान ले रही हूँ पढ़ने के लिए। इधर ट्रांसलेशन वाली कुरान भी है जो मेरे को बहुत इजी, और ये देखिए ये पेपर्स जो है ना हाशिम चचा दादी के लिए बना के गए थे ताकि उनको पढ़ने इजी रहो। इसमें पूरे दुआ और सब चीज़ें हैं, आप भी घर के बड़ों के लिए ऐसा कर सकते। देखिए इस तरीके के वो है, पूरे जिक्र है इसमें, तो ये बहुत इजी हो गया उनको यूज़ करने के लिए। और बड़े जो है ना फॉन्ट में है ना, बड़ा फॉन्ट है तो और भी इजी है। तो मैं जो है ना अपनी कुरान निकालती हूँ ट्रांसलेशन वाली, ये वाली। और रमज़ान में सिर्फ आप कुरान कंप्लीट कर लिए वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ में आप जानने की भी कोशिश करना। तो मैं छोटे सूरे भी मतलब ज़्यादा मेमोराइज़ कर रही हूँ, और बड़े सूरों के भी जो है ना ट्रांसलेशंस पढ़ रही हूँ ताकि इजी हो जाए। तो आप लोग भी वैसा करिए ताकि आपको रमज़ान के बाद भी वो चीज़ यूज़फुल हो। तो मैं ये जल्दी से पढ़ लूँगी थोड़ी देर, उसके बाद में हम लोग जाएंगे समोसा बनाने के लिए। और अब मैं आई 30 पारे में, जो है ना थोड़ा उधर का जिक्र करके, क्योंकि इधर जो है ना जो भी सूरा मेरे को याद नहीं है, मतलब परफेक्ट याद नहीं है, मैं उसको अच्छा परफेक्ट कर लूँगी ताकि रमज़ान के बाद भी ये सूरे मेरे को मतलब नमाज में अच्छा पढ़ने को आए। जैसे कि अल आदियात है और बैना है, ये बड़े सूरे मैं ट्राई करती हूँ पढ़ने के लिए इंशाल्लाह, मेमोराइज़ करने के लिए। तो आप लोग भी एक एक सूरा ऐसा चुनिए और पढ़ने की कोशिश करिए, तो इंशाल्लाह आपको वो भी फ़ायदा है। तो मैं अभी ये पढ़ लूँगी, उसके बाद मेरे को कुरान क्लास अटेंड करना है, तो मैं आपको वो सब करके मिलूँगी। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। यहाँ पे हम लोग नीचे आ गए थे इफ्तार की तैयारी के लिए, जोहर की नमाज़ पढ़ के। खीमा ऑलरेडी रेडी था, जो पकाने आते उन्हों ही बना दिए थे। बस हम लोग को समोसे की फोल्डिंग करना है। और इधर देखिए एकदम थिक बैटर बनाए थे उसका, जो लगाते हो उस पर, उसका पता नहीं क्या नाम है। इधर मैं भाभी जल्दी से फिलिंग कर रहे थे, हम लोग को उतनी परफेक्ट आ रही नहीं थी बिकॉज ऑलमोस्ट एक साल के बाद बना रहे। इधर खीमे में जो जो भी डालते हैं, मैं आपको पहले के व्लॉग्स में इतने बार बताई, अगर आप लोग को देखना है वहाँ से देख सकते हो। और बस अनियन और विथ सम स्पाइसेस वो ही रहता। एंड आई डोंट थिंक सो मैं ये रमज़ान में उतनी एक्टिवली व्लॉग्स बना पाऊँगी बिकॉज मेरे को हर टाइम पैलेस्टीन के लोगों का याद आ रहा, मतलब हर चीज़ में, मतलब खाने की चीज़ों में या फिर रोज़ों में, सहरी में, हर चीज़ में। आप सभी भी दुआ करिए और लोगों को दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला आसानी दे उनको। यहाँ पर देखिए फिर मैं समोसे बनाई थी लेकिन मेरे को कुछ आ रहा ही नहीं था, फिर लास्ट में एक बन गया समोसा परफेक्ट, जो मैं फ्लॉन्ट कर रही थी आप लोग के सामने। एंड देन फिर जो आके हम लोग को थोड़ा बताए कि ऐसा करना है, तो जल्दी से करना शुरू कर दिए। देखिए समोसे की तैयारी हो रही, आज फर्स्ट डे है ना, तो हम लोग ऐसा अजीब अजीब बन गए लेकिन फिर सही बनना स्टार्ट हो गए। और इधर और इधर देखिए डैडी फ्रूट्स पूरे ला लिए। यहाँ पे देखिए समोसे सब रेडी है और इधर फ्रूट्स भी आ गए। तो मैं आपको अभी जो है ना इफ्तार की टाइम मिलती हूँ, अभी मैं क्लास अटेंड कर लूँगी मेरी। तो हम लोग इफ्तारी के लिए यूज़ करेंगे ये प्यारे से गोल्डन प्लेट्स, जो मम्मी जब सऊदी गए थे वहाँ से ले लेके आए। इतने प्यारे हैं ये प्लेट्स, देख सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन के। इफ्तार का टाइम इतना क्योटिक रहता और साथ में इतना मज़ा भी आता। हम लोग सारे जने टेबल पे बैठ के साथ में फ्रूट्स काट रहे थे और साथ में कभी ताया भी मदद करते, तो जल्दी से हो जाता हर चीज़। की तैयारी हो गई, हरीम का डब्बा बीच में आ गया, इधर तैयारी शुरू कर दिए। भाभी भी आ गए, फर्स्ट रोज़ा उनका यहाँ पे। ये पूरे एक्स्ट्रा फ्रूट्स जो है ना इसमें डाल के रख देंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि हवा भी लगे। वो डाल दो, यहाँ पे दही बड़े जो है ना इधर डिश आउट कर डाले, अब मैं नीचे रख दूंगी इसको। इधर देखिए फूल भी ला लिए क्योंकि आज भाभी का पहला रोज़ा है, तो अभी सब जने आ जाएंगे इफ्तार के लिए। अभी कुछ मिनट बाकी, तो हम सब दुआ करेंगे बैठ के। यहाँ पे भाभी और भैया को फूल पिना रहे थे सैरन के कुछ मिनट पहले, बिकॉज भाभी का ये घर में पहला रोज़ा था। हमारे घर में और एक मेंबर ऐड हो गए, लेकिन ऑफकोर्स मेरे कज़न्स को भी मैं मिस कर रही हूँ। तो अभी हम लोग जो है ना इफ्तार कर लिए, पूरा उठा लिया, अब हम लोग नमाज़ के लिए जा रहे। चलो जाओ दादी से मिल लो। तो अभी हम लोग की तरावी हो गई, हम लोग अब पी रहे, आज खुल रहा भी नहीं है।
खावा तुम्हारे घर के पास जबरदस्त मिलता। यहाँ पे हम लोग इंजॉय करेंगे ये घावा और करती हूँ ये वाला व्लॉग एंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में। चलें देख के अल्लाह हाफिज़। ले लो आप घावा, ज़बरदस्त घावा रहता है यहाँ का। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।